सिंगरौली में सरई थाने के सामने हिंदू जागरण मंच के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि समूद गांव में बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान की मूर्ति को खंडित किया गया था, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने से विवाद के हालात बन गए हैं। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक उन आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता तब तक वे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह का कहना है कि थाना प्रभारी द्वारा तत्काल ही इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया था। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 30 अक्टूबर की एक घटना है जिसमें समूद ग्राम जो सरई थाना क्षेत्र के अंदर आता है वहां पर कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति खंडित की गई थी। इस पे सरई थाने में प्रथम सूचना पत्र जो है पंजीकृत किया गया, दर्ज किया गया और उसमें सरई थाना प्रभारी द्वारा विवेचना की जा रही है। देखिए, इस धरना प्रदर्शन का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे वीर बजरंग बली की सरई तहसील अंतर्गत समुद गांव में उनकी 100 वर्ष पूर्व प्रतिमा को किसी व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया, जो कि हम लोग माननीय TI साहब को यहाँ एक बार उनको ज्ञापन दिए थे कि उस अपराधी को पकड़ा जाए। इसी संघ के द्वारा हमारे जितने भी हिंदू भाई सब लोगों का समर्थन था, सब भाइयों का मतलब सब लोग साथ में थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।